अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल ज़बरदस्त सा प्रॉन 65 रेसिपी। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में हमने इसे तैयार किया है। रेसिपी पूरी देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, और रेसिपी बहुत लाजवाब बनी थी। चलिए झटपट से हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर मेरा चैनल को ज़रूर करिएगा और कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 250 ग्राम प्रॉन्स। इसको हाफ शेल के साथ हमने लिया है। शेल के साथ लेने का रीज़न ये है कि क्या नाम है, उसका जो जूस है वो उसमें ही लॉक हो जाए, बाहर ना जाए। इसे हमने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। हाफ टी स्पून तक का हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। हाफ टी स्पून क्रश हुई ग्रीन चिली डालेंगे हम। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर रेड चिली पाउडर डालेंगे तीखा वाला, और हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल, और 1/4 टी स्पून हल्दी डालेंगे हम। ये इतने मसाले हम इसके अंदर डालेंगे, और नमक डालेंगे हम टेस्ट के हिसाब से। एक नींबू का अच्छे से रस डालेंगे, जिसमें रस ज़्यादा हो वही नींबू डालिएगा, अगर रस कम है तो आप 2 नींबू डाल सकते हो। नींबू का रस हमने अच्छे से डाल दिया उसके अंदर, एक पूरा नींबू का रस गया था उसके अंदर। अब उसके अंदर 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर हम कसूरी मेथी डालेंगे, इससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे चारों तरफ अच्छे से। मिक्सिंग तो हमारी अच्छी होनी चाहिए, मैं हमेशा कहती हूँ आपसे। और पिंच ऑफ फूड कलर डालेंगे हम, इससे टेस्ट को बिल्कुल फ़र्क नहीं होना चाहिए पड़ेगा, बस लुक अच्छा दिखने के लिए हमने फूड कलर डाला। ये देखिए कितना अच्छा सा हमने इसे मैरिनेट किया है। अब इसे साइड में हम रख देंगे। फटाफट से एक पैन रखेंगे, पैन के अंदर 3 से 4 टेबल स्पून तक का ऑयल डाला है हमने। ऑयल को हल्का हम फैला लेंगे चारों तरफ से, और उसे हल्के से 1/1 करके हम सारे प्रॉन्स को डालेंगे। सारे प्रॉन्स हमने डाल दिया है। 2 से 3 मिनट एकदम लो फ्लेम पे हम उसे एक साइड रखेंगे, और 2 से 3 मिनट दूसरे साइड पे रखेंगे। 3 मिनट होने के बाद हमने इसे पलटा है 1/1 करके। फ्लेम बस हमारा एकदम लो ही रहना चाहिए कि प्रॉन्स बहुत जल्दी पकता है, और हमें इसे ज़्यादा कुक नहीं करना होता है, बस इसको थोड़ा सा ही कुक करेंगे और बाकी इसे हम वेजेस के साथ कुक करेंगे, तो प्लीज़ इसे ध्यान में रखिएगा। ये देखिए कितने अच्छे से कुक हो गया है, अच्छा से एकदम इसका कलर आ गया। अब इसे हम सारे का सारा निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। हम ये सारा हमने निकाल लिया है, इसे साइड में रखेंगे। अब उसी पैन के अंदर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून मस्टर्ड और 1/2 टीस्पून जीरा, ये सफ़ेद ज़ीरा है। सेम ऑयल में हम उसे डालेंगे और उसे हल्का सा तड़कने भड़कने देंगे। 7 से 8 लहसुन की कलियां ली थी हमने, उसे बारीक बारीक हमने चॉप कर लिया है, आप क्रश भी कर सकते हो। उसे हम हल्का गोल्डन कलर आने तक का इस तेल के अंदर भूनेंगे, जलाना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ गोल्डन कलर आने तक का हमें भूनना है। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा प्रॉन्स के अंदर। 2 से 3 मिनट लगा हमें इसे भूनने के लिए। 2 हरी मिर्ची हमने स्लिट करके डाल दी उसके अंदर, इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा सा आएगा हमारे प्रॉन्स के अंदर। 1 कड़ी पत्ता का कुछ पत्तियाँ डाला था हमने। अब इसके अंदर हम डालेंगे शिमला मिर्च, येलो रेड एंड ग्रीन। आपके पास अगर सिर्फ ग्रीन है तो ग्रीन डालिए, अगर सिर्फ रेड है तो रेड डालिए, और येलो है तो येलो डालिए। अगर आपके पास तीनों है तो बहुत अच्छी बात है, तीनों डालिए। 2 से 3 मिनट हम इसे अच्छे से सौटे करेंगे। हमको अपना शिमला मिर्च का क्रंच बरकरार रखना है, एकदम सॉफ्ट नहीं करना है। अब उसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के दही। दही हम इसी स्टेज पर डालेंगे, इससे पहले हम नहीं डालेंगे। अब अच्छे से उसे मिक्स करेंगे। हमारा फ्लेम अभी भी लो है, प्रॉन्स हमें बनाना है तो फ्लेम हमारा लो ही रहेगा, हाई फ्लेम पर हम बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, और हाई फ्लेम पर ये कुकिंग होगी भी नहीं। तो अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे चारों तरफ से प्रॉन्स मसाले को।
ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये बचा हुआ जो मसाला था प्रॉन्स में जो हमने लगाया था, वो सारा मसाला हम इसके अंदर डाल देंगे अच्छे से, पूरा एकदम अच्छे से डालेंगे, कुछ भी बाकी नहीं रहेंगे, कोई मसाला हम फेंकेंगे नहीं। फिर इसे अच्छे से 2 मिनट तक हम अच्छे से तेल के अंदर सब्जी के साथ में सारा मिक्स करके भून लेंगे, हल्का सा इसका जो कच्चापन है जो ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा भून गया है मसाला, प्रॉन्स सब्जी भी हमारी वो हो गई, प्रॉन्स हम सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। और 1/2 टीस्पून के करीब हम थोड़ा सा नमक डालेंगे या उससे कम ही डालेंगे, सिर्फ सब्जियों के लिए। प्रॉन्स के अंदर तो हमने नमक डाला है उसका, सिर्फ सब्जियों के लिए हम नमक डाल रहे हैं। आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से ही नमक डालिएगा। 2 से 3 मिनट मिक्स किया है हमने उसे, हम 2 मिनट या 3 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 3 मिनट बाद ये हमारा ढाबा स्टाइल प्रॉन्स 65 तैयार है। रेसिपी कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए हमारा प्रॉन्स तैयार हो गया है, कुक हो गया है एकदम ज़बरदस्त सा। बस 1 मिनट हम इधर उधर अच्छे से कर लेंगे और हमारा गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। रेसिपी कैसी लगी अपनी ज़रूर बताइएगा। किचन विद जायका के स्टाइल से ट्राई करिए प्रॉन्स 65 और इन्जॉय कीजिए ढाबा स्टाइल प्रॉन्स 65 रेसिपी। अपना फीडबैक, अपना लाइक सब्सक्राइब ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा और इन्जॉय कीजिए प्रॉन्स 65। अस्सलाम वालेकुम।